वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज अपना व्लॉग थोड़ा सा अच्छा अलग होने वाला है, राइट से हटके और आर्ट वर्क। और यार अभी चलते हैं कलर्स वगैरह लेने के लिए। और फिलहाल तो अभी अपना BMW 1 मंथ हो गया फाइनली, और उसका सर्विसिंग भी कराना है यार, तो वो भी देखना पड़ेगा। और अभी अपन चलेंगे फिलहाल हट क्लब जाएंगे अपने शॉप पे। तो यार और मैं सोच रहा हूँ कि अपने BMW को भी रैप कराने का सोच रहा हूँ। तो अभी अभी तो लिया है मैंने, 1 मंथ हुआ है, तो BMW को भी थोड़ा मॉडिफाई करेंगे कुछ दिनों बाद, बट अभी तो नहीं, कुछ दिनों बाद रैप करवाता हूँ। और उसका भी डिज़ाइन मैं खुद करूँगा, बिकॉज आई एम आर्टिस्ट, सो आई कैन ग्राफिक इन माई BMW बाइक। सो गाइस कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा उसके लिए, कैसा रैप करा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मैं डिज़ाइन करूँगा फिलहाल तो उसको, उसके बाद ही अपन कुछ सोचेंगे उसमें रैप कराने के लिए। बिकॉज़ यार लगनी चाहिए थोड़ी हट के, अभी तो ब्लैक है, तो उसमें भी कुछ ब्लू एंड रेड का कॉम्बिनेशन देंगे, वाइट रेड ब्लू, तो मज़ा आ जाएगा यार। तो फिलहाल तो अभी ये देखो इतना धूप है यार, मौसम भी बहुत धूप है। मौसम तो ठीक है बट धूप बहुत निकला हुआ है, तो अपन चलते हैं कार पे। तो गाइस अपन निकालते हैं कार और चलते हैं, बिकॉज धूप देख रहे हो यार, ऐसा धूप है कुछ। तो कार भी अभी यार फुल हीट हो रखा है यार, तो अभी इसको पूरा हीट हो गया है, तो थोड़ा ठंडा करते हैं यार, फिर निकलते हैं यहाँ से, बिकॉज इतने धूप में पूरी हीट हीट हो गई है, फुल गर्म यार। तो अभी कुछ ऐसा है कि शॉप चलते हैं। रायपुर में इतनी खतरनाक धूप हो रखी है, बाहर जा ही नहीं सकते ऐसा तो बिना कार के, देख रहे हो धूप इतना खतरनाक। और चलते हैं अभी तो फिलहाल अपन शॉप जाके देखते हैं कुछ नए चीज़ें और कुछ यूनिक और कुछ कलर्स और पेपर्स। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि वाटर कलर पेपर कौन सा यूज़ करें, स्केच के लिए कौन सा पेपर यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा यार आज। तो बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि कहाँ पे है शॉप, तो आपको सबको पता ही चल गया है। और फिलहाल अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि अपन कौन सा कलर यूज़ करते हैं, कौन सा पेपर यूज़ करते हैं स्केच के लिए, तो कौन कौन से पेपर्स आते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा यार आपको। मतलब बहुत दिनों के बाद कार निकाल रहा हूँ यार, समथिंग 1 वीक के बाद। सो ट्रैफिक तो बहुत है और जाने भी मज़ा आ रहा है, धूप है क्योंकि यार बहुत धूप है, तो कार पे ही जाना सेफ है। तो अभी चलते हैं शॉप पे, शॉप पे जाके आपको दिखाता हूँ यार।
सीट वगैरह ले ली अपन, अब चलते हैं घर की ओर। घर निकलते हैं यार सीधे, और धूप तो बहुत खतरनाक है यार, देखो बहुत खतरनाक धूप है बाहर, तो ऐसा चलने में भी इतना हीट हो जा रहा है ना बॉडी की। कार तो कार है भाई, कार तो और भी ज़्यादा हीट हो रहा है। ठीक है निकलते हैं अभी तो फिलहाल, चलो। सो हे गाइस, फाइनली अभी घर पहुंच गए अपन, और मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को कि कौन सा कलर यूज़ करते हैं और कौन सा वाटर कलर है अपने पास और कौन सा सीट है। आप लोग का कमेंट आ रहा था कि कौन सा स्केच सीट यूज़ करे, कौन सा स्केच बुक यूज़ करे, तो मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को कि कौन सा अपना बेस्ट है। अच्छा है सब, बेस्ट तो नहीं, अच्छा जो भी होगा मैं आपको रिफ़र करता हूँ। चलो तो अभी फिलहाल देखते हैं वो, और ना BMW की ग्राफिटी वो भी करते हैं, दिखाते हैं वो भी अपन। तो चलो अभी फिलहाल तो अभी आपको स्केच बुक्स वगैरह और सीट्स वगैरह दिखाता हूँ वाटर कलर एंड स्केच के लिए। तो गाइस अपने पास ये सीट है, ब्लैक सीट है एक, और इसमें भी कर सकते हैं स्केच वगैरह के लिए। और ये है 50 सीट है, 170 GSM का है ये सीट, तो ये सीट भी यूज़ कर सकते हो। ये आएगा आपका 200 का आएगा, एंड स्केच के लिए बहुत अच्छा है ये भी, तो ये ट्राई करेंगे अपन। एंड ये वाटर कलर के लिए ये भी यूज़ कर रहे हैं अपन, ये वाला, और ये भी 20 सीट है और 220 GSM का सीट है, ये बहुत अच्छा है ये भी, तो ये यूज़ कर चुका हूँ मैं। और इसमें मैं पेंटिंग बनाया था ये, तो इसका रिप्लेसमेंट ऐसा कुछ आया है, अच्छा है ये भी। और अपने पास है वाटर कलर इसका कैमल का, तो ये भी अच्छा है यार, ये यूज़ कर रहा हूँ अभी तो फिलहाल मैं। और अपने पास है मोनो का पेंसिल, स्केच के लिए मोनो पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ अभी फिलहाल, ये भी अच्छा है। और ब्रस्टो का पेंसिल कलर ये है, ये भी भाई बहुत अच्छा लगा ये मेरे को, एंड ये भी बहुत सॉफ्ट है और अच्छा है, तो ये यूज़ कर सकते हैं स्केच के लिए, बहुत अच्छा है ये भी। सो गाइस ये जो सीट्स एंड कलर्स मैंने देखा है, ये बहुत यार बहुत अच्छे हैं, और मैं तो ये यूज़ करता हूँ अभी फिलहाल स्केच वगैरह के लिए। उतना ज़्यादा स्केच तो करता नहीं हूँ, बट तो कभी कभी मैं बैठ जाता हूँ स्केच के लिए, तो उतना ज़्यादा स्केचिंग तो हो नहीं पाता मेरे से, करता नहीं हूँ। और अभी तो फिलहाल वॉल आर्ट से ही चलते हैं मेरे, तो वॉल आर्ट ही कर रहा हूँ। तो गाइस अपना बाइक अभी कुछ ऐसा है, तो इसको अभी यहाँ से ऐसे पूरा ग्राफिटी करेंगे यार, ब्लैक है तो पूरा इसमें यहाँ से ऐसे ब्लू का और रेड का मैं कुछ वो करूँगा इसमें यहाँ से, एंड फ्रंट में भी कुछ करना है मेरे को, तो यहाँ से ऐसा ये हो जाएगा और यहाँ पे ब्लू एंड रेड का साइड देंगे तो अच्छा लगेगा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही बन जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, अच्छा लगेगा यार। तो आई विल बी ट्राई माई बेस्ट। तो गाइस देखते हैं, ये 2-3 महीनों बाद ही कराएंगे, अभी तो फिलहाल ऐसे कुछ नहीं कराना है मेरे को, क्योंकि अभी अभी लिए हैं बाइक और 1 मंथ ही हो रहे हैं, 1 मंथ भी कंप्लीट हो गए हैं, तो फिलहाल अभी ऐसे ही रहने देते, कुछ दिनों बाद कस्टमाइज़ कराएंगे, रैप ऐसा मॉडिफाई कराएंगे तो मज़ा आ जाएगा। गाड़ी देखने के बाद लुक बहुत प्यारा आएगा, लगेगा देखने में भी कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना, तो मज़ा आएगा। तो 310 को ऐसा करते हैं कुछ अलग डिफरेंट। सो ओके गाइस, आज का वीडियो बस यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना यार मोर ट्रिप के लिए। ओके बाय बाय।